गुड मॉर्निंग. अभी पहले से बेहतर है. अच्छा टी शर्ट और चेंज कर लेता एक मिनट. ओके तो आज डेट है 28 जुलाई 2021 और कल जब मैं राइड के लिए निकला तो मुझे पता चला कि जो मेरा पुराना हेलमेट था जिसमें एक कैमरे का माउंट लगा हुआ था और एक माइक लगा हुआ था वो तीनों गायब है. तो फिर मुझे कल ये वाला हेलमेट लेना पड़ा. दिखाता हूँ देखो. तो ये स्टील बड़ का हेलमेट है जो कि मुझे राइड के लिए परचेज करना पड़ा. लेकिन अब इसमें जो है इसमें एक तो माइक्रोफोन लगाना है और दूसरा कैमरे का माउंट लगाना है. सो दूसरा इशू ये हुआ कि जब मैं बाइक को लेकर निकला तो पता चला बाइक 70 से ऊपर नहीं जा रही है. तो आज बाइक को चेक कराने के लिए जाना है लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ तो एक कप चाय हो जाए. ओके तो आज के प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे. एक्चुअली आज छुट्टी का दिन है. मेरा जॉब से ऑफ है, वीक ऑफ है आज मेरा. सो एक तो कल राइड नहीं कर पाया हेलमेट की वजह से, हेलमेट मिसिंग था, और दूसरा बाइक इश्यू कर रही थी. सबसे पहले जो है बाइक को लेकर चलते हैं. अभी टाइम है 7 बजे के आसपास. 9 बजे सर्विस सेंटर खुल जाएगा, 9 बजे बाइक को एक बार दिखा के आते हैं. इसके साथ कार्बोरेटर में कुछ क्लीनिंग का काम है क्योंकि 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं मेरे पास बाइक को और आज तक इसका कार्बोरेटर क्लीन नहीं कराया है. तो आज इसका कार्बोरेटर क्लीन कराते हैं. और दूसरा काम ये था कि जो मेरा लैपटॉप है वो भी काफ़ी पुराना हो गया है और उसकी कंडीशन बेकार हो रखी है, उसकी डिस्प्ले भी टूट गई है. सो एक मुझे दूसरा लैपटॉप का अरेंजमेंट करना है लेकिन वो तो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरा दिन आज बाइक में जाना है. और हेलमेट माउंट ना होने की वजह से मोटो ब्लॉगिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है. मोटो ब्लॉग नहीं आया काफ़ी टाइम से. सो अगर टाइम मिला तो चांदनी चौक की तरफ चलेंगे, एक माइक और एक कैमरे के लिए माउंट वहाँ से लेकर आना है. तो चलो चाय पी के और इसको बाइक को दिखा के आते हैं. एंजॉय. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you... Okay, तो भाई साहब मैं आ गया हूँ बजाज के सर्विस सेंटर पे और यहाँ अपना काम नहीं हो पाएगा. अब उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पिछले हफ्ते मैंने इसमें मोटर का ऑयल डाला है और सर्विस सेंटर वाले बंदे बोल रहे हैं कि उनकी पॉलिसी है बिना ऑयल चेंज करे वो बाइक की सर्विस नहीं करेंगे. अब मैंने बोला कि आप मोटर वाला तेल छोड़ के बजाज का तेल थोड़ी ना डलवाऊंगा, तो भाई मना कर दिया उन्होंने कि ये पॉलिसी है बिना ऑयल चेंज करे सर्विस नहीं करेंगे. तो भाई अब क्या करें, मैं इसको अब फिलहाल बाहर जा रहा हूँ, बाहर इसे लोकल मैकेनिक के पास दिखाऊंगा. कार्बोरेटर क्लीनिंग का काम है खाली और उसके लिए ऑयल चेंज कराना तो फिर बेवकूफ़ी होगी ना. मोटर छोड़ के मैं बजाज का तेल डलवाने वाला हूँ फिर से, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना. तो फिलहाल देखो सर्विस सेंटर ये रहा सर्विस सेंटर बजाज का और ये खड़ी बाइक अपनी. सो फिलहाल इसको लेके अब क्लीनिंग के लिए मैं जा रहा हूँ. तो चलो लोकल मैकेनिक के पास चलते हैं.
तो ये आ गई अपनी बाइक। ये अभी टेस्ट राइड लेकर आए हैं बाइक की प्रॉब्लम चेक करने के लिए, और वो अपनी बाइक पे काम होगा। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गुड इवनिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6 के आसपास, और आज पूरा दिन बाइक की सर्विस में निकल गया। सुबह 8 बजे घर से निकला, 1 घंटा जिम मेरा, 9 बजे सर्विस सेंटर पहुँचा। तो सर्विस सेंटर पे जाते ही उन्होंने बोला कि बजाज से सर्विस कराने के लिए आपको बजाज का इंजन ऑयल डालना पड़ेगा, और जब भी मैंने मॉडल का इंजन ऑयल अभी 1 हफ्ते पहले डाला है। तो बाइक को बाहर दिखाया और बाहर लोकल में सर्विस कराई उसकी सारी बाइक, उसने अच्छे से ओपन की, पूरी अच्छे से क्लीन की, बहुत स्मूथ बाइक चल रही है इस टाइम पे। तो इस वीडियो को एंड करने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि वहाँ से आने के बाद थकान इतनी हो गई कि मैं डायरेक्ट आके सो गया। सो अभी फिलहाल बाय बाय बोलने का टाइम है, तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। और बहुत ऐसे व्यूअर हैं जो खाली वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, भाई साहब सब्सक्राइब कर दो। हाँ, मेरा अभी नया चैनल है, मैं सीख रहा हूँ अभी, लेकिन आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 1 साल के बाद में मैं आपको प्रो लेवल का कंटेंट ला के दूंगा, तो सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो, और कोई कुछ अगर कहना है, कुछ बात करनी है या कोई कंसर्न है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मुझे बता दो। तो मिलते हैं आपसे किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।